स्वागत है जी आप सबका इस वीडियो में। मेरा नाम शशांक याग्निक है और खबर एक बार फिर से मयंक यादव से जुड़ी है। भाई मयंक यादव के वीडियोस जब भी मैं डालता हूँ अपने चैनल पर तो आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं और हर किसी के मन में इससे पता चलता है कि कितनी उत्सुकता है ये जानने की कि मयंक यादव का कमबैक आखिर कब हो रहा है। तो भाई मयंक यादव से जुड़ी ये खबर है और आज राजस्थान और लखनऊ का मैच है, तो सवाल एक और फिर यही है कि क्या मयंक यादव आज के मैच में खेलते हुए नज़र आएंगे। तो इस पर अपडेट आया है, हर बार की तरह, हर मैच की तरह, हर मैच से एक दिन पहले की तरह अब की बार भी अपडेट आया है और मयंक यादव को लेकर के ही ये अपडेट है। भाई मयंक यादव को लेकर टीम के जो कोच हैं उनकी तरफ से ये कहना है, जो असिस्टेंट कोच हैं उनका कहना है कि मयंक यादव ने गेंदबाजी शुरू कर दी है। आज राजस्थान के साथ में मैच है इनका, लखनऊ में ही मैच है ये वाला, तो नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं वो और अच्छे दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं फुल्ली फिट होने के और बहुत जल्दी उनकी वापसी हो सकती है, ऐसा कोच साहब ने कहा है। बट आपको बताएं कि कोच साहब तो काफ़ी लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि वो नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और रिकवरी मोड पर हैं। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं मयंक यादव को इंजर्ड हुए और 2-3 दिन बाद से ही चोटिल होने के उन्होंने गेंदबाजी अपनी शुरू कर दी थी नेट्स में, लेकिन मैच फिट होना एक अलग चीज़ है और आप नेट्स में गेंदबाजी करना एक अलग चीज़ है। तो मयंक यादव को लेकर के अपडेट यही है कि भाई मयंक यादव को लेकर कोच ने कहा है कि फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है कि आज के मैच में मयंक वापसी करते हुए नज़र आ जाएं, दिखाई दे जाएं खेलते हुए और वो बहुत क्लोज हैं फिट होने के। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही है कि मयंक यादव पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, यानी कि आप इस बात की गुंजाइश अपने साथ लेके चलिए कि हो सकता है कि आज के मैच में भी मयंक यादव आपको बाहर बैठे हुए दिखाई दें। मयंक यादव ने जो 2 मुकाबले खेले थे शुरुआती, जो ड्रीम डेब्यू आप एक तरीके से बोल सकते हैं, भाई शुरुआती मैचेस में ही उन्होंने कितने विकेट चटका दिए थे, 3-3 विकेट चटकाए थे, 6 विकेट ले लिए थे 2 मैचेस में ही। उसके बाद एक मैच में एक ओवर फेंका गुजरात के खिलाफ जो कि लखनऊ में ही हुआ था, उस मैच में सिर्फ वो एक ही ओवर डाल पाए, 13 रन के आसपास उन्होंने वहाँ पर रन्स दिए थे और वो फिर बाहर चले गए थे, उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। तो भाई मयंक यादव को लेकर के अपडेट यही है कि वो क्लोज टू फिट हैं लेकिन पूरी तरह से फिट अभी भी नहीं हुए हैं। कोच साहब ने बोला है कि भाई वो गेंदबाजी जब उन्होंने की है, यानी कि जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए उससे पहले जब मयंक यादव ने गेंदबाजी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जाकर के उनसे हालचाल लेंगे और बताएंगे और जानना चाहेंगे कि मयंक यादव गेंदबाजी करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो भाई अभी अपडेट फ़िलहाल यही है मयंक यादव को लेकर। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए क्योंकि लगातार अपडेट्स आपको मैं ला करके दे रहा हूँ IPL से जुड़ी जो भी कुछ आ रही हैं। पिछले वाले वीडियोज़ भी आप कुछ देख सकते हैं, वीडियोज़ वो भी पसंद आएँ तो फिर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है मयंक यादव की कब तक वापसी होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा, टीम भी अनाउंस होनी है 1 और 2 दिन के अंदर, आज 27 हो गई है, 28 या फिर 29 में मीटिंग भी है BCCI सिलेक्टर्स रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टीम सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि 1 मई से पहले टीम देनी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मयंक यादव को वर्ल्ड कप की टीम में लेकर के जाना चाहिए या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।